एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित बहरा पाठक गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 11 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 55 किलोमीटर है। वर्तमान समय में ग्राम वासियों ने रजनी शर्मा को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 4000 की आबादी एवं 2300 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 300 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 174 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 50 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व पंचायत घर का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, आंगनबाड़ी केंद्र, धर्मशाला, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान का बड़ा भाई गगन शर्मा, ग्राम बैठा पाठक, ब्लॉक बिसोली, जिला बदायूं। मेरे गांव में पिछले जो वित्तीय वर्ष में मुझे जो पैसा मिला था उसका मैंने पूर्ण रूप से खर्च किया सही तरीके से, जिसमें मैंने सीसी लगवाई थी, पंचायत घर की मरम्मत कराई थी, स्कूल का नवीन शौचालय बनवाया था और खरंजा स्कूल में कराया था, नाला निर्माण कराया था। सभी कार्य पूर्ण रूप हो चुके हैं। पैसे के अभाव के कारण अभी गांव में बहुत सी समस्याएं बनी हुई हैं। कच्चे मकानों की संख्या मेरे गांव में अधिक से अधिक है और जो एक मेरे गांव में करणपुर मार्ग से लेके मुड़िया मार्ग तक पीडब्ल्यूडी की सड़क है, जिसकी हालत बहुत जर्जर, जो पानी भराव रहता है वो बहुत ख़राब है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे गाँव की जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है वह जल्दी से सही कराइए, जिससे जो आम जनता की समस्याएं और इधर के जो रोड निकल रहे हैं मुड़िया के लिए वो बहुत बड़ा समस्या का पैदा है कर रही है निकलने के लिए। और सभी गांव में स्कूल में गांव में बिजली की समस्या बहुत है। मेरे यहाँ एक ट्रांसफार्मर है जिससे आए दिन बिजली की समस्या गाँव में बनी रहती है और वृद्धावस्था पेंशन की भी समस्या गाँव में काफ़ी है, कम लाभार्थियों को मिल पा रही है। विधवा पेंशन की भी समस्या है गाँव में और अन्य समस्या है। सरकार से मांग करता हूं कि अगर जल्द से जल्द पैसे की व्यवस्था की जाए तो गांव की जो मैंने गांव में जनता से वादे किए हैं वो पूर्ण रूप से वादे मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरे कर चुका हूं।